एंड वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी टैब के कि आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन था वो मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही था, सो आई थॉट ऑफ डूइंग ए सेपरेट वीडियो फॉर माई क्यू एंड ए एंड द स्ट्रैटेजी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजीज एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द अदर क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू पुट दिस डिस्क्लेमर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे आप लोग सजेशन पूछ रहे थे इसलिए सोचे कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन योर ओन वे, बट मुझसे बहुत सारे सवाल आए थे इसके बारे में, मैं कैसे करती हूँ। आई एम टोटली गोइंग टू टेल कि मैं कैसे करती हूँ, मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या है। ऐसा नहीं हुआ कि यही एक ही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छे से सूट करे आप वही फॉलो कर सकते हैं। सो यान स्टार्ट द वीडियो। सो आई रोट डाउन एवरीथिंग इन दिस कॉपी सो आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। डोंट वरी, अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी उसको कमेंट में रिप्लाई। सो कुछ भी अगर डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई विल गो स्टेप बाई स्टेप, आई विल गो फर्स्ट फ्रॉम द ब्रीफ देन मेन्स देन द इंटरव्यू पार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रीलिम में तीन ही आता है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। और जो आरआरबी में है वहाँ पे सिर्फ मैथ और रीजनिंग आता है, जो लोगों को नहीं पता है। सो मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश के लिए मैं क्या करती हूँ, सो पहले मैं क्या करती थी कि इंग्लिश में हमेशा मैं ग्रामर करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वहाँ पे रहता है एरर डिटेक्शन रहता है, क्लोजनेस पे रहता है, जो कि ग्रामर की हेल्प से हो सकता है। पर वो थोड़ा मेरे लिए काम नहीं किया, क्योंकि मेरा स्कोर्स में मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। तो मैं क्या की कि मैंने पूरा मॉक देना स्टार्ट की, मॉक देख के ही उससे एनालिसिस की। और आपको क्या कर सकते हैं, उनिमिसा मैम का एक पूरा प्लेलिस्ट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, आप वहाँ से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा रूल्स याद रहेगा, पर आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या गलती हो सकता है अगर हमें एरर डिटेक्शन करना हो या फिलर वाला क्वेश्चन करना हो। आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि हम एरर डिटेक्शन कैसे करें और जो फिलर वाला क्वेश्चन होता है उसे हम कैसे करें। सो आप 120 रूल्स ग्रामर देख लेंगे तो आपको वो ज़्यादा ग्रामर के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको बेसिक से ग्रामर तो नहीं पढ़ना होता है, मैं वो चीज़ गलती कर रही थी कि मैं पूरा बेसिक ग्रामर से कर रही थी। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक ग्रामर करने के लिए। और इंग्लिश में आप जितना मॉक देंगे और उसे एनालिसिस करेंगे ना, आपको थोड़ा लगेगा कि आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है कैसे कर सकते हैं करके। सो आई विल सजेस्ट फॉर इंग्लिश, आप मॉक जितना ज़्यादा देंगे आप सेक्शनल दे सकते हैं, आपको फुल लेंथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेक्शनल इंग्लिश का देख के अच्छे से कर सकते हैं। सो प्रीलिम के लिए मैं बोलूंगी आप निमिषा मैम को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो करती हूँ इंग्लिश के लिए, और किसी को नहीं फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा उनको ही करती हूँ, मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो मॉक में ही जाता है, क्योंकि मैं मॉक से थोड़ा मुझे आइडिया मिल जाता है। और वोकैब के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि वोकैब रटती हूँ बैठ के। अगर मैं कोई पैराग्राफ कर रही हूँ, मुझे आपको जैसे पता है कि मुझे बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जब बुक पढ़ती हूँ मुझे अगर कोई वर्ड मिल जाए तो मैं उसे क्या करती हूँ, मुझे सर्च करके उसके ऊपर थोड़ा सा अपना नॉलेज बना लेती हूँ कि इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या हो सकता है, उसे मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ कोई भी अगर सेंटेंस बना रही हूँ। तो आप वैसे करके कर सकते हैं। सो इंग्लिश के लिए मुझे ज़्यादा कुछ मैं नहीं की हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क आ जाते हैं। सो आई विल से इंग्लिश के लिए आप इतना ही कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विल गो फॉर द रीजनिंग। रीजनिंग के लिए एक्चुअली मैं क्या की थी ना, मैं खुद को एक इंस्टीट्यूट में एनरोल कर दी थी जब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर मुझे वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिला। मैं जो अपना रीजनिंग का सारा चीज़ है मैं वो अड्डा से की हूँ, मेरे पास तब अड्डा का सब्सक्रिप्शन था, तो वहाँ से एक सर पढ़ा रहे थे, मैं उधर से ही पूरा अपना सारा कुछ की हूँ जो भी मुझे रीजनिंग करना था। और जब मैं थोड़ा करने स्टार्ट की, और आप क्या कर सकते हैं ना, बुक ले सकते हैं। मैं बुक के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगी डिटेल से कि क्या बुक लेना चाहिए, और अगर आप बुक से करना चाहें तो क्या आपको फ़ायदा होगा। सो जिसमें रीजनिंग में आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस पर कंप्लीट करके जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप सेक्शनल मॉक देने से ना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मैं पहले वो चीज़ इग्नोर करती थी, मैं ज़्यादा मॉक नहीं देती थी, फिर मॉक देने पर मुझे पता चला कि नहीं, मॉक देने के बाद एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रीजनिंग के लिए हम अंकुश लामा सर को फॉलो कर सकते हो, मेरा मुझसे अगर कोई सजेशन लेगा, और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको सर्च मिल जाएंगे रीजनिंग के लिए, तो आप वही कर सकते हैं। अब मैथ्स के लिए आऊँगी तो मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हर्षल सर का जो 0 to infinity बैच है, अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है या कोई फ्रेंड के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, आप वो लेके उनका जो 0 to infinity बैच था अनअकैडमी में, क्योंकि वहाँ पे पूरा कवर हुआ था। और अब सर तो अभी उधर पढ़ा नहीं रहे हैं, पर वहाँ पे मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन था मैं वहाँ से उसे ही यूटिलाइज़ की, क्योंकि मैं तो कोई नया क्लास नहीं देख पाती थी, क्योंकि उस सर तो कोई नया क्लासेस लेते नहीं थे। सो आप वो चीज़ अगर कवर कर लिए मैथ का, तो आपको मैक्सिमम बेसिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रीलिम में क्या होता है कि हमें स्पीड मेंटेन करना होता है, बोले कैलकुलेशन में मॉक देख के ही जो कैलकुलेशन को, ऐसे में बैठ के कोई डिफरेंस से नहीं की हूँ, जो भी मॉक में ऐसा था कैलकुलेशन में वहीं से करती थी। ऐसा नहीं कि मैं पूरा कैलकुलेशन के लिए की, मैं 2-3 घंटा 2 दिन में, मैं ऐसा कभी नहीं की हूँ। सो हमेशा मैं क्या करती थी, अगर मेरा कोई टॉपिक खत्म हो गया तो अगर मेरे पास बुक था तब मैं बुक से कर लेती थी कुछ क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा आइडिया आ जाता था उस चीज़ के लिए।
और आप ये कर सकते हैं मॉक देके, आप सेक्शनल मॉक आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो आप वहाँ से सेक्शनल मॉक देके आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि मैथ में कैसे क्या करना है। तो प्रीलिम के लिए बोलूँगी, आपको बेसिक क्लियर करना है पहले, तो आप हर्षल सर का वो क्लास देख सकते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई थिंक आई कंप्लीट द प्रीलिम पार्ट वेरी क्लियरली। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई पूछ रहा था कि हम ऑनलाइन कोर्सेस ले या यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हैं प्रीलिम के लिए, और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी नहीं है, पर सब्सक्रिप्शन लेने से ऐसा क्या होता है कि वो हमको एक सिस्टमेटिकली वे पे पढ़ाते हैं, सो हमको बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हमको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। पर आप यूट्यूब से ढूंढ के आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल रहता है। सो कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का कि कोई नहीं मिलेगा। आपको कोई टॉपिक के लिए भी चाहिए तो आप वहाँ पर सर्च कर लेते हैं नाम, तो वहाँ पर बहुत सा लेक्चर आ जाएगा, आप देख के कर सकते हैं। सो या दिस इज ऑल फॉर प्रीलिम, आई विल स्टार्ट फॉर द मेंस। सो मेंस के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। निमिषा मैम का मैं पेड क्लास ली हुई हूँ, सो उनका जो परफेक्शन बैच होता है मैं वहीं से ही करती हूँ। उनका यूट्यूब में ज़्यादा परफेक्शन का नहीं आता है, वो कभी कभार आई थिंक वीक में एक बार ही आता है बस। सो आप क्या कर सकते हैं, परफेक्शन वाला अगर आप ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। आप मेंस मॉक भी दिया कीजिए, क्योंकि मेंस मॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि पैराग्राफ 3 से 4 मिल जाता है हमें मेंस में, जो रीडिंग कंसेशन बोलते हैं हमें। सो वहाँ पे हमें रीडिंग थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, सो और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि हम एक पैराग्राफ को कैसे समरी कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वो चीज़ है। और प्रीलिम और मेंस का इंग्लिश सिमिलर है, पर बोलूँगी कि मेंस में जो है थोड़ा सा ट्रिकी आता है, थोड़ा हार्ड आता है, क्योंकि जैसे हमको प्रीलिम में सिर्फ मिला फिल इन द ब्लैंक्स, पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ जो अरेंजमेंट होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट बोलूँगी, वो चीज़ भी करना होता है। सो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और रीजनिंग के लिए मैं मेंस के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिकली चीज़ नहीं करती हूँ, मैं अंकुश लावा सर का जो होता है क्लासेस जो होता है यूट्यूब में वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी तक। और क्या कर सकते हैं कि आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं मेंस के, मेंस लेवल का। और अंकुश लंबा साहब का एक है 500 स्लीपिंग आईज मैन, ऐसा कुछ मेंस का क्वेश्चन करके ऐसा कुछ सीरीज है। अगर मुझे किसी भी चीज़ का प्लेलिस्ट का दगा देना होगा लिंक, तो मैं ट्राई करूँगी लिंक में दे दूँ। अगर मैं भूल गई बाई चांस तो आप लोग मुझे पूछ लेना कमेंट में, वो मैं वहाँ पे पिन कर दूँगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर रीजनिंग। मैं बोलूँगी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम रीजनिंग में नहीं होता था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में होता था। और पर ऐसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा आई पी एस पी ओ का रीजनिंग जो है बहुत ख़राब गया है। सो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कौन सा एग्जाम में कौन सा पर्सन ज़्यादा इजी, कौन सा पर्सन ज़्यादा हार्ड आएगा। सो हमको उस हिसाब से सबको इक्वली टाइम देके इक्वली ही करना होता है, किसी एक सब्जेक्ट को फेवरेट नहीं बना सकते हम इधर, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए स्कोरिंग हो सकता है। जैसे मैथ के लिए मेरा बहुत ख़राब होता था मैथ्स पहले, मैं स्कूल में एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ मैथ्स के, मेरा हमेशा 90+ रहते थे मैथ्स में, पर पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ मेरा मैथ्स बहुत ही ख़राब होने लगे। सो मैं क्या की ना, मैं अपना स्ट्रेटेजी पूरा चेंज किया, क्योंकि मैं पहले मैथ्स के लिए कोई क्लास नहीं देखती थी, मुझे लगता कि क्लास देखने से टाइम वेस्ट होता है, पर मेरा थिंकिंग होता गलत था। मुझे था हम लोगों को ऐसे फुल बैठ कर क्लासेस नहीं देखना होता, मैं क्या करती हूँ वीडियो प्ले करती हूँ, जब क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेंस का क्लास की बात कर रही हूँ, अगर मुझसे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं देखूँगी कि सर कैसे मुझे एक्सप्लेन किया वो चीज़ होकर मैं फिर से और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं ऐसे करती हूँ, आप क्लास देख सकते हैं, क्योंकि हर्षल सर का बहुत सारा फ्री क्लासेस है मेंस का उनके यूट्यूब चैनल में, वो आप देख के कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो सेक्शनल मॉक सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हमको पता मेंस में ऐसे टाइम को लेके कोई बाउंड्री नहीं होता है, क्योंकि मेंस में सफिशेंट टाइम मिलता है करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लेवल टफ रहता है करके। सो आप सेक्शनल मॉक देके भी हर चीज़ का आप कर सकते हैं। सो या दिस विल बी फॉर द मैथ सेक्शन। और मेंस में जो है हमको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। सो आई विल से फर्स्ट फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, मैं कैसे की थी, मैं क्या की थी कि मेरे पास नोट्स था, मैं जो कोचिंग ज्वाइन की थी मैं पहले बोली थी, तो वहाँ से मेरा नोट्स था, तो मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर था और मुझे थोड़ा आइडिया था चीज़ों का कि क्या चीज़ क्या होता है करके। जब मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ली तो मैं कपिल सर का जो क्लासेस थे वहाँ पे की, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा आइडिया हो गया बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तब भी हेल्प करेगा। तो उस चीज़ को ना आप क्लास करके उसका नोट्स बना देंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैं इसके बाद भी बताऊँगी कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ। दिस विल बी ऑल फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, आप अगर कोई टॉपिक को आप ऐसे ही सर्च करेंगे आके यूट्यूब में, तो आपको आराम से मिल जाएगा। सो कोई इशू नहीं है। फिर आ गए करंट अफेयर्स। मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं कैसे करंट अफेयर करती हूँ। मैं करंट अफेयर के लिए बस 2 ही सोर्स फॉलो करती हूँ, वो है परचम और गाइडली। मैं परचम में उनका डेली, वीकली और मंथली जो सीए होता है वो सारा देखती हूँ। फिर उनका जो आता है बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स, वो भी देखती हूँ। और वो बस मुझे है कि मुझे थोड़ा रिवाइज करने के लिए चाहिए होता है। और जो मैं मेन करंट अफेयर है वो गाइडली का PDF से पढ़ती हूँ। मैं 2 सोर्स इसलिए रखी हूँ कि मुझे नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज़ मिस हो गया करके, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है।
और गाइडली का जो इसमें थोड़ा बैंकिंग न्यूज़ ज़्यादा रहता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा हेल्प होता है गाइडली के तरफ से। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं करती हूँ मैं करंट अफेयर्स के लिए, मैं पहले फॉलो कर रही हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ। अगर आपको एक डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, मैं बना दूँगी अलग से, पर मैं बस यही दो ही सोर्स फॉलो करती हूँ अपना करंट अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट, इन लोगों को नहीं पता है कि आरआरबी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आते हैं, आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं मेंस में, वहाँ पे कंप्यूटर आता है। अब कंप्यूटर के लिए मैं क्या की थी कि अरोरा एजुकेटर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करके एक प्लेलिस्ट आता है उनका, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इधर लिंक ही कर दूँगी, आप वहाँ से पूरा क्लासेस करके आपका आप नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको फ़ायदा देगा अगर आपको प्री क्लियर हो गया तो। मैं पहले ही कर चुकी हूँ वो चीज़, तो इसलिए मेरे पास अभी कंप्यूटर का फुल नोट है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में दे रही हूँ आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी आते हैं हम सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब सच बोलूँ, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई भी सब्सक्रिप्शन है जो कि ज़्यादा फायदेमंद है। तब मैं ऑन अकेडमी इसलिए ली थी क्योंकि मैं जो जो टीचर से पढ़ रही थी वो सब ऑन अकेडमी में अवेलेबल थे, और वो चीज़ नहीं है, वो सर्स नहीं है जो पढ़ा रहे थे ऑन अकेडमी में। सो अभी इधर उधर से लेने से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, फिर भी मैं ले ली हूँ हर्षल सर का सब्सक्रिप्शन और निमिषा मैम का, क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मैं रीजनिंग का इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ करके, तो वही मेरे पास है अभी जो भी सब्सक्रिप्शन है। अनअकैडमी का तो है ही, वो जून में एक्सपायर हो जाएगा, तब तक वो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। फिर मुझे बहुत कोई पूछ रहे थे बुक रिकमेंड करने के लिए। सच बोलूँ, बुक मुझे लगता है बस प्रीलिम तक ही काम आते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़, अगर हम कोई चीज़ बेसिक से कर रहे थे वहाँ से, जैसे कि मैं मैथ में टाइम एंड वर्क कर रही हूँ तो मुझे टाइम एंड वर्क का बहुत सारे क्वेश्चन करने होते थे, सो मैं क्या करती थी कि बुक्स निकाल के वहाँ से क्वेश्चन करती थी, थोड़ा मुझे आइडिया बिल्ड हो जाए करके। अगर आपको बुक खरीदना है तो आप आड्डा का खरीद सकते हैं, और मैं बोलूँगी कि दिशा पब्लिकेशन का, उनका बुक्स भी बहुत अच्छा होता है, आप उधर से खरीद के कर सकते हैं। और आड्डा वाला मैं ज़्यादा यूज़ की हूँ तो मैं आड्डा के बारे में बोल सकती हूँ, उनका क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन आए मॉक के लिए मेरे पास अभी है ऑली बोर्ड का है और स्मार्ट कीड़ा और टेक्स्ट बुक का है, और मैं ज़्यादातर ऑली बोर्ड यूज़ करती हूँ। टेक्स्ट बुक और स्मार्ट कीड़ा में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, स्मार्ट कीड़ा अभी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आया है कोई भी एग्ज़ाम का, तो अभी मैं फ़िलहाल बस ऑली बोर्ड का ही दे रही हूँ और टेक्स्ट बुक का दे रही हूँ, बस मेरी ये तीनों है। अगर मुझसे कोई सजेशन मांगेगा कि कौन सा मॉक ज़्यादा अच्छा है, बहुत कोई बोल रहे हैं कि गाइडली का अच्छा है, मैं गाइडली का नहीं दी हूँ, मुझे लगता है कि बहुत टफ रहता है करके, मैं जो पहले दी थी बहुत हो गया, 2-3 साल पहले दी थी, अभी मैं नहीं दे रही हूँ, अभी मैं जो दे रही हूँ ऑली बोर्ड दे रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई सजेशन मांगे कौन सा मॉक अच्छा है, बोलूँगी ऑली बोर्ड ओके ठीक ठाक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या दिस इज़ ऑल। अगर जो क्वेश्चन है कि नोट मेकिंग कैसे करें, आप नोट मेकिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास आईपैड है तो आप अच्छे से डिजिटल नोट बना सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। एक कॉपी किताब के साथ ट्रैवल करने से अच्छा है कि आईपैड के साथ ट्रैवल करूँ। अगर आप कॉपी किताब से बना रहे हैं तो आपको इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम जाता है करके, मैं वो चीज़ को पढ़ के लिख रही हूँ तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से मेरा माइंड में रह जाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं नोट्स बनाने के लिए। सो अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप बना सकते हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नोट बनाना ऐसे कंपलसरी नहीं होता है, पर कोई चीज़ें ही जब आपको नोट बनाना पड़ा है, जैसे कंप्यूटर का मैं बोलूँगी कि मैं नोट्स बना ली हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम के टाइम में बस रिविजन चाहिए होता है, मैं अभी पूरा बैठ के क्लासेस नहीं देख सकती, पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ सकती। बैंकिंग आवनर्स के भी वही सीन होता है, क्योंकि मैं मुझे उस टाइम में क्लास लेने का टाइम नहीं होता है। अगर मेरे पास नोट्स होगा तो मैं नोट्स गो थ्रू करके एग्जाम में अच्छा कर सकती हूँ। सो इसलिए बोलूँगी कि आप अगर चाहे तो नोट बना सकते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं है, पर कोई सब्जेक्ट है उसके लिए बनाना कंपलसरी होता है करके। और बहुत कोई पूछे थे प्रिपरेशन कैसे स्टार्टिंग में हम क्या करें, अगर बैंकिंग करना है तो हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं। आप पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर मैं जैसे बोली प्रीलिम्स से मेंस आप वो चीज़ वैसे कर सकते हैं। और बहुत कोई डाउट था कि मेंस हम कहाँ स्टार्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड में मेंस का थोड़ा टाइम देके रहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपको मेंस के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। सो प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ लेके ही करना होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आप लोग को इंटरव्यू के लिए सेपरेट चाहिए तो मैं बोलूँगी कि अभी जैसे अब कोई इंटरव्यू नहीं है, सो जब भी कोई इंटरव्यू होगा मैं उससे पहले ही आपके लिए अच्छे से वीडियो बना लूँगी। अभी मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इंटरव्यू का ही बताने जाऊँ। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत हेल्प मिले इस वीडियो से। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगी कि रिप्लाई करूँ। अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो अभी मुझे थोड़ा टाइम है करके मैं वीडियो ऐसे बना दे रही हूँ, नहीं तो मेरे पास ऐसे बिल्कुल टाइम नहीं होते थे, क्योंकि मैं हमेशा लाइब्रेरी में रहती थी और मुझे टाइम नहीं मिलते थे ऐसे बनाने के लिए। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।